जाते हैं, रुक जाते हैं। सोच लीजिए ये जीवन है, इसमें सुख दुख आने हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, क्यों अगर चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कलेदयन्ति आपो, न सोष्यति मां। इसलिए अपने अंदर उस दिव्यतम प्रकाश को पहचानो, सब कुछ अंदर है, बस चाबी को ढूंढो। हरिद्वार जाओगे चाबी कभी नहीं मिलेगी, वृंदावन जाओगे मैं बता रहा हूँ चाबी वहां भी नहीं मिलेगी। चाबी अगर घर में खोई है ना तो भैया चाबी घर पे ही मिलेगी। तो घर को मैं रोज कह रहा हूँ, कल भी कहा था मंदिर बना दो, बता रहा हूँ सारे तीर्थ घर पे होंगे, अनुभूत करने हैं। मैंने कल बोला है जब कोई चर्चा चल रही है तो उसी स्थान पे स्वयं को ले जाओ, तो वहां पर हम ही हमें हर हर स्थिति में हर एक एक भक्त की कथा को रस को प्रदापित, भक्त और भगवान का मिलन जो ये कथा कराती है, तो इसमें हर कैरेक्टर में हम ही हमें। तो अपने आप को देखने का प्रयास करें। बड़ा ही अकल्पनीय प्रश्न पूछा है परमात्मा के अवतारों के बारे में, परमात्मा के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो अभी चर्चा हो रही है, कल हमने कथा भी सुनी थी नारद जी के माध्यम से, और सुनाते रहते हैं, उनका काम ही सुनाने हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं। सनक जी हैं, सनंदन जी हैं, सनातन जी हैं और सनत कुमार जी हैं, पहला जो अवतार। उसके तदुपरांत चर्चा होगी बराह अवतार की, अभी थोड़ी देर बाद चर्चा होगी। उसके तदुपरांत भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण